अंगूठा काट के दे देता है। और जब हम बात करते हैं ना बच्चों हिंदुस्तान की, जब सीमा पर शहीद हुए बेटे की, इकलौते बेटे की अर्थी को पिता हंसते हंसते कंधा दे दे, हमें वो हिंदुस्तान चाहिए। और जब ऐसे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो उसमें अपना भी कहीं ना कहीं नाम आना ही चाहिए ना, नहीं आना चाहिए? मैंने क्या किया, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? ठीक है सीमा पे जाके सब गोलियां नहीं चला सकते, लेकिन फिर भी हम अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। जो बच्चों की मदर, दादी, चाची, ताई बैठी है, मुझे एक चीज आपसे बहुत शिकायत है, सर भी सुनते होंगे मैं भी सुनती हूँ कि पढ़े लिखे नहीं है जी, तो हम क्या कर सकते हैं? स्कूल भेज देते हैं, ट्यूशन भी भेज देते हैं। अच्छा जरा सच बताओ कि अनपढ़ माओ ने आईएएस, एचसीएस ऑफिसर, डॉक्टर बनाए कि नहीं बनाए? अरे साहब आपकी मदर कितना पढ़ी हुई थी, नहीं थे ना, तो बनाए कि नहीं बनाए? बनाते हैं ना। तो बच्चों को आपसे कागजी ज्ञान नहीं चाहिए, आपके अनुभव का ज्ञान चाहिए, आपसे रिश्तों की वॉर्मथ चाहिए, आपका समय चाहिए। फाइनेंसर नहीं चाहिए उनको कि फीस आपने स्कूल की भी भर दी और ट्यूशन की भी भर दी। बच्चों को आपका सचिन तेंदुलकर, धोनी, शाहरुख खान, तो क्या हम बच्चे के माता पिता, हमारा आचरण उसके लिए अनुकरणीय नहीं हो सकता? क्या बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं को अपने पापा के जैसा ईमानदार, डिसिप्लिन बनना है, अरे मेरी मदर में तो ये खूबी है मुझे ऐसा बनना है? क्या हमारा आचरण बच्चों के लिए अनुकरणीय हो? मुझे लगता है इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटी स्टेज पर हुई जो सोशल मीडिया को लेकर के था, तो उससे एक चीज क्लियर हो गई, भाषणबाजी से नहीं मानेंगे बच्चे। कैसे मानेंगे? जो आप करेंगे वो बच्चा करेगा, जो आप कहेंगे वो बच्चा नहीं करेगा, है ना? तो पहले हम अपना एक एग्जाम्पल सेट करें कि हमारा कंडक्ट कैसा हो, उसके बाद हम बच्चे से अपेक्षा करेंगे कि आपने कैसा व्यवहार करना है। नो डाउट टीचर्स का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी कभी नहीं भूल सकती, किताबों में सब कुछ लिखा है लेकिन टीचर के बिना अधूरा है। और इतिहास में तो बहुत महान गुरु हुए हैं, ऐसे आज के समय भी हो सकते हैं। और जब मैं टीचर्स की बात करती हूँ ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों आपके दोस्त हमेशा आपसे आगे जाना चाहते हैं, आपके जो फ्रेंड्स है ना वो भी सोचेंगे इसके दो नंबर कम आ जाए, मेरे ज्यादा आ जाए। कितना भी अच्छा दोस्त हो कॉम्पिटिशन लगा रहेगा, लेकिन ये जो टीचर्स है ना, ये चाहते हैं कि इतना ऊपर चला जाए, इतना आगे चला जाए मेरा बच्चा कि उसके सामने मेरा कद छोटा हो। हम आपके नॉलेज से, आपके कद से हार जाना चाहते हैं। वी वॉन्ट यू टू मेक अस फील प्राउड। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, भाषण पहले भी बहुत हो गए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बच्चों को दो लाइनें, और सर आज के विषय को तो नहीं छोड़ सकती, दो लाइन मिनट, एक मिनट दे दो उसके लिए। मेरे से पहले जो एंकर थी उसने कहा था कि फीमेल्स आर नॉट वीक, है ना, सशक्तिकरण की जरूरत है नहीं हमें। कब वीक थे हम, मुझे तो नहीं समझ में आया। इतिहास से है ना, अनुसुईया, अंजनी, गार्गी से देखना जब शुरू होते हैं, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई तक जब जाते हैं, किरण बेदी तक पहुंच जाते हैं, और आज सीतारमन तक पहुंच जाते हैं, तो हम कमजोर थे कब? लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं, ये हमारे साथ एक दिक्कत है। Nobody can make you feel inferior without your concern. आप कमजोर तब तक हैं जब तक आप अपने आप को कमजोर मानते हैं। क्यों हर बार कि आपको कोई ड्रैग करके खींच कर ही ले जाएगा, क्यों ना पहला कदम आपका हो और फिर आपके पीछे हजारों कदम चल पड़े? ऐसा भी तो संभव है, आप एक कदम बढ़ा करके तो देखेंगे। बहुत शक्तिशाली हैं आप, बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आप चाहे तो सही, रिकग्नाइज योर सेल्फ, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। और वो क्या नहीं कर सकते में मेरा भाव ये बिल्कुल नहीं होता कि हमें फीमेल्स को आगे जाना और मेल्स को पीछे छोड़ देना, वो भी कभी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। एक बहन भाई के बिना भी कुछ नहीं, बेटी बाप के बिना भी कुछ नहीं, पत्नी पति के बिना भी कुछ नहीं, तो ये तो इक्वल कंट्रीब्यूशन है, दोनों को बराबर चलना पड़ेगा। ये आगे चलने की बात नहीं है आप, लेकिन
समर्पित करती हूँ। मौन छोड़ो, मौन छोड़ो मेरी बहनों, सोया राष्ट्र जगाना है, घर में देवी रण में दुर्गा बन के दिखाना है, घर में देवी रण में दुर्गा बनना है, और ये दुर्गा घर में मत बन जाना, बस इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि घर में देवी का ही रूप रहे। बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। यू आर द ओनली प्रिजर्वर ऑफ इनोसेंसी, माय लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आर विद यू एंड इट विल रिमेन ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच।